बजो। Hey guys, welcome back to another video of Cosmic Battle Royale। तो आज के इस वीडियो में हम दो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं उनके बीच की इस बैटल को हेल के बैटल फील्ड में इमेजिन करने वाले हैं। पहले मैं इनके पावर्स एंड एबिलिटीज, वीकनेस और सबसे बेस्ट जो मुझे फेवरेट लगता है इनकी औकात के बारे में आपको बताऊंगा। सुपरमैन वर्सेस क्रिस, हमें हमारी प्यारी टीम मूवीज में अभी तक देखने को मिल रहा है। इसकी फ्रेंचाइज काफ़ी अच्छी रही है। सुपरमैन की तो कई सारी मूवीज बन चुकी है, कई सारी फ्रेंचाइज भी बन चुकी है, यानी बस की कॉमिक मेनली हमने देखने को मिली है। चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सुपरमैन की। सुपरमैन एक एलियन है जो कि अर्थ पर आ जाता है। उसके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती हैं जो कि उसे हमारे सोलर सिस्टम के सन के कारण मिलती है, जिसमें होती है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर, एजिलिटी एंड एनहांसेस फ्लाइट, इन के हल्के फुल्के स्टोन्स के थोड़े मोरे टुकड़े या गैस भी अगर इसके सामने आ जाते हैं या इसको टच कर जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी इसको टू करके मार देगा तो ये नू करके नीचे गिर जाएगा। एनीवे तो हम बात कर लेते हैं हमारे अगले कैरेक्टर जो कि हमारे फैन फेवरेट हैं, क्रिस पाजी। तो क्रिस पाजी के बारे में आप ये जानते होंगे कि इसका जो बा होता है वो एक एलियन को ज़बरदस्ती का समन कर लेता है अर्थ पर, उसके बाद उन्हीं में से एक एलियन जिसको जादू नाम देते हैं वो जादू इससे के बाप को पावर्स देता है। अब वही पावर्स इसे मिल जाती हैं पैडाइस के थ्रू, और पैडाइस के थ्रू इसकी और भी ज़्यादा एनहेंस पावर होती हैं। अब धीरे धीरे करके ये स्टोरी लाइन में और ज़्यादा एनहेंस पावर लेते जाते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा ओवररेटेड कैरेक्टर बनते जाता है। पर फिर क्रिस 3 में एक नया और धासु विलन आ जाता है जो कि कभी मर नहीं सकता था क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ था, उसे बनाया गया था, तो वो सब अलग बातें हैं। पर इस वक्त जरा हम इसके पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, एंड्योरेंस और साथ ही में लॉन्गेविटी और फिजिकल पीक मेंटल कंडीशन को इम्यून डिसेसेस यानी कि कोई भी इसके डिसीज और वायरस इसके ऊपर नहीं है असर कर सकते। सुपर ह्यूमन एबिलिटी है भागने की, तैरने की, जंप करने की और साथ ही में सुपर ह्यूमन स्पीड है इसके पास, और इसी के साथ ही बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी है। और हाँ, ये काफ़ी हद तक किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने में इसे काफ़ी कम टाइम लगता है। लेकिन सुपरमैन जैसी धांसू स्पीड इसके पास नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी स्पीड है इसके पास, काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हीलिंग फैक्टर है, पर उतनी भी हाई नहीं जितनी कि सुपरमैन की है। सुपरमैन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और हमें क्रिस 3 में ये देखने को मिला कि क्रिस भी किस काफ़ी हद तक एक तरीके से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके सारे फिजिकल एबिलिटी किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं गुना ज़्यादा एनहेंस है। पर अब जरा हेल के बैटल फील्ड में दोनों कैरेक्टर्स को उतारते हैं और देखते हैं कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है। वेल, अगर हम इन्हें इनडायरेक्टली भी देखें या डायरेक्टली भी देखें तो किसका किसके ऊपर मुक्का पड़ता है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर तक कौन खड़ा रहता है। वैसे जानता हूँ कि ये करा रहा है लेकिन काफ़ी मज़ेदार रहा है। साथ ही में अगर हम इन्हें देख लें, उतारें, पे लें, जो भी करना है करें, तो फिर भी काफ़ी हद तक ये पॉइंट है कि सुपरमैन इस मैच को जीतेगा। क्यों, कैसे, सिंपल सी बात है और बहुत आसान सी बात भी है। वो एक एलियन है और इसके पास एलियन से रिलेटेड पावर्स हैं और साथ ही में इसके सारे के सारे एनहेंस सेंसेस सुपरमैन के सेंसेस से काफ़ी कम हैं। सो किसी भी सुपर हीरो यूट्यूबर, किसी भी सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर से पूछोगे आप तो आपको जवाब यही मिलेगा कि सुपरमैन और क्रिस की बैटल में सुपरमैन काफ़ी हद तक जीतने के काबिल है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।